Hello students, let's see this question. The question says the standard reduction potentials for the reactions. Do reactions diye aapko Mn2 positive 2 electron gain karke Mn mein convert ho raha hai and Mn3 positive 1 electron gain karke Mn3 positive mein Mn2 positive mein convert ho raha hai. Aur ye do reactions hai inke liye standard redox potential diya hua hai respectively manner mein. First ke liye -1.18 volt hai and dusre ke liye 1.51 volt hai. Respectively, what is the redox potential for the reaction? This इस reaction के लिए क्या redox potential होगा? ठीक है? So देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि Mn3 positive एक electron gain करके Mn2 positive में convert हो रहा है, ठीक है? और वही Mn2 positive दो electron gain करके Mn में convert हो रहा है, ठीक है? हमसे पहले इन दोनों के दिए जो दो step में reaction जा रही है, इनके reduction potentials दी हुई है, redox potentials दी हुई है. हमसे पूछ रहे हैं कि ओवरऑल अगर Mn3 पॉजिटिव तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर ले डायरेक्टली तो Mn में जब कन्वर्ट होगा तो उसके लिए क्या आपका स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल होगा. ठीक है, तो देखिए रिडॉक्स पोटेंशियल्स को कभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, तो इस वजह से इससे रिलेटेड जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसको हम कर सकते हैं. सो हम बोल सकते हैं कि जो Mn3 पॉजिटिव से Mn में जा रहा है तो इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी होगी, उसको हम बोल देंगे डेल्टा जी नॉट. किसके लिए? Mn3 पॉजिटिव से, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, Mn3 पॉजिटिव से Mn में कन्वर्ट हुआ, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप्स. ठीक है, सो डेल्टा जी नॉट ऑफ Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव एंड डेल्टा जी नॉट ऑफ Mn2 पॉजिटिव से Mn. ठीक है, डेल्टा जी नॉट पता है हमें क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वर्क बताता है वो होता है माइनस एन एफ ई नॉट. ठीक है, तो इसके लिए जो ई नॉट है मैं उसको ई नॉट बोल देती हूँ, इसके ई नॉट को मैं ई नॉट वन बोल देती हूँ और इसके ई नॉट को मैं ई नॉट टू बोल देती हूँ. ठीक है, सो ई नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट इज इक्वल टू माइनस एन वन एफ E not one plus minus times of n two f E not two. ठीक है, n क्या represent करता है उस process में number of electrons. So अगर Mn three positive से Mn जा रहा है तो तीन electrons का change आ रहा है. So यहाँ पर n की value कितनी हो जाएगी, minus मतलब minus के साथ में three f E not. First step में कितना होगा, एक electron है तो minus f E not one और सेकेंड स्टेप में दो इलेक्ट्रॉन है तो माइनस टू एफ ई नॉट. ठीक है, यहां से आप देखो कि एफ कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल सकते हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचेगा क्या, थ्री टाइम्स ऑफ ई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट वन प्लस टू टाइम्स ऑफ ई नॉट टू, ये बचेगा. सो अगर मैं यहां पर ऊपर लिख रही हूं तो ई नॉट की वैल्यू निकालनी है तो इट इज गोइंग टू बी ई वन नॉट, ई नॉट वन की वैल्यू डाल दो तो ई नॉट वन की वैल्यू क्या है, E not one मैंने क्या कहा है, जब M3 positive, M2 positive में convert हो रहा है, ठीक है? यही तो है second वाला, so इसके लिए value कितनी है? 1.51, so 1.51 plus two times of क्या डालना है? E not two की value डालनी है, तो E not two value क्या है? जब Mn2 positive, Mn में convert हो रहा है, तो इसके लिए value है minus के साथ में 1.18, ठीक है? इस पूरे को divide कर देंगे three से, क्योंकि आप इक्वेशन देख पा रहे हैं नीचे क्या है, तो इसको बस आप सॉल्व कर लेते हैं. सो इट इज 1.51 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ 1.18 डिवाइडेड बाय थ्री. सो ये आता है आपका -0.28333 थ्री ऐसे करके वोल्ट आएगा. तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, -0.28 वोल्ट. सो अकॉर्डिंगली आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.